Hi everyone. So till now we have done ANOVA models and ANCOVA model. Okay. Now in this video we will do the features of dummy variables. There are four features. Number one is to distinguish the categories male and female. We have introduced only one dummy variables. Means इसका ये feature में क्या है कि अगर जो आप dummy variable introduce कर रहे हो और हम कह रहे हैं जो भी आप attribute ले रहे हो, means अगर आपने sex लिया है, color लिया है, religion लिया है, कुछ भी लिया है, उसके अगर जितने भी हम कह रहे हैं categories हैं, और अगर मान लो हम कह रहे हैं m categories हैं, तो आप dummy variable कितने introduce करोगे? m minus one. ठीक है, अगर आपको दिखता है आप जैसे यहाँ पर कि मान लो हमने यहाँ पर लिया है सेक्स यानी कि मेल और फीमेल, तो इसका मतलब क्या होगा, यानी दो कैटेगरीज हैं, तो दो कैटेगरीज का हम जब डमी वेरिएबल लेंगे वो क्या लेंगे, m माइनस वन मीन्स टू माइनस वन, दैट इज वन डमी वेरिएबल. ठीक है, अब यहाँ पर ये कॉन्ट्रडिक्शन शो कर रहे हैं कि दिखाने के लिए कि मान लो हम दो कैटेगरीज हैं मेल और फीमेल, और हम दोनों ही वेरिएबल, हम दो ही डमी वेरिएबल ले लेते हैं, D2 I फॉर मेल प्रोफेसर एंड D3 I फॉर फीमेल प्रोफेसर. ठीक है, मतलब हमने क्या करा, एक कैटेगरी लेनी, एक डमी वेरिएबल लेना था हमने, लेकिन हमने कॉन्ट्रडिक्शन शो कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या दिखा रहे हैं कि हमने मेल के लिए D2 वेरिएबल ले लिया और फीमेल के लिए D3, अदरवाइज जीरो. ठीक है, अब इसमें क्या कर रहे हैं, अब आप शो करेंगे हम कि कॉन्ट्रडिक्ट कैसे करता है. अब यहाँ पर कहते हैं, अब कहेंगे दिस मॉडल कैन नॉट बी एस्टिमेटेड एज देयर इज द प्रॉब्लम ऑफ परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी. जब भी ऐसा होगा कि हम, अब मल्टीकोलिनियरिटी कैसे है कि अब मैं इस एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ मल्टीकोलिनियरिटी कैसे होगा. हम कह रहे हैं कि मान लो हम कह रहे हैं यहाँ पर वैल्यू, ये तो हो गई आपकी इंटरसेप्ट टर्म, यानी कि अल्फा वन 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 वन, ये तो हो गया आपकी इंटरसेप्ट टर्म. D2 इज फॉर मेल, D3 इज फॉर फीमेल, और एक्स हो गया यहाँ पर आपका एक्स वेरिएबल. अगर हम कह रहे हैं कि D2 की वैल्यू हमने माना कि मान लो तीन केसेस में मेल है और दो केसेस फीमेल के हैं, और अगर हम कह रहे तीन केस अगर मेल के लिए, तो हम वन वन जीरो वन जीरो, D3 की वैल्यू, D3 में क्या है, हमने बोला वन किसको देंगे हम, फीमेल को, तो फीमेल में हमने बोला वन एंड वन इज फॉर फीमेल अदरवाइज मेल. अब D2 की वैल्यू क्या बन गई, D2 की वैल्यू क्या बन रही है यहाँ पर, D2 इज इक्वल टू वन माइनस D3, दिख रहा है आपको, D2 की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पर, वन माइनस D3, मतलब कि अगर हम D2 की वैल्यू कैसे आ रही है कि वन माइनस, अब D3 की वैल्यू यहाँ पर मान लो फर्स्ट केस लेते हैं हम वन और जीरो, तो D2 की वैल्यू वन कब आएगी, जब हम कहेंगे जब D3 क्या होगा, जीरो, तो यानी कि वन. ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर D2 की वैल्यू वन कब आएगी, जब D3 क्या होगा, जीरो. D2 की वैल्यू जीरो कब आएगी, जब D3 की वैल्यू क्या होगी, वन. कैसे, कि D2 यानी कि वन माइनस वन होना चाहिए, तभी D2 की वैल्यू जीरो आएगी, राइट. सिमिलरली फॉर D3, D3 की हम अगर आपको वैल्यूज निकालनी है यूजिंग D2, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, वन माइनस D2. ठीक है, मतलब अगर आपको D3 की वैल्यू निकालनी है यूजिंग D2, तो आपको क्या फॉर्मूला बनेगा, वन माइनस D2. अब आपको दिख रहा है कि D2 का फॉर्मूला है वन माइनस D3, D3 का फॉर्मूला है वन माइनस D2, तो अल्टीमेटली इन दोनों के बीच में क्या हो गया, ये इंटररिलेटेड हो गए. इसका मतलब देयर इज परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी प्रॉब्लम बिटवीन बोथ द डमी वेरिएबल्स. और हमने बोला हुआ स्टार्टिंग में ही अजम्पशन, हमने जब OLS की अजम्पशन की थी कि देर शुड नॉट बी परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी बिटवीन द वेरिएबल्स, कोई भी वेरिएबल हो, चाहे वो डमी वेरिएबल्स हो, चाहे वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल हो, उनके बीच में हमारी मल्टीकोलिनियरिटी की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. और ये वो आ रही है, तो हम बोल देंगे यहाँ पर यूजुअल ओएलएस एस्टिमेशन इज नॉट पॉसिबल. देयरफॉर इसमें आपको ये शो करना है फिर अल्टीमेटली कि इफ क्वालिटेटिव वेरिएबल हैज एम कैटेगरीज, इंट्रोड्यूस ओनली एम माइनस वन डमी वेरिएबल. ठीक है, सिर्फ आपको इतना ही लिखना है यहाँ पर. सेकेंड हो जाएगा आपका कि द असाइनमेंट ऑफ वन एंड जीरो वैल्यूज टू कैटेगरी सच एज मेल एंड फीमेल इज आर्बिटरी. मीन्स ये नहीं है कि आपको मेल को वन ही देना है और फीमेल को जीरो ही देना है, ये कह रहे हैं आपकी मर्जी है ये, कि हम कह रहे हैं इसका मतलब क्या है कि आप फीमेल को भी वन दे सकते हो और मेल को भी जीरो दे सकते हो, बट आपको स्पेशली मेंशन करना है कि आपने वन किसको दिया है. मतलब ऐसा नहीं है, ये सच ऐसा चाहिए नहीं लेकर चलना कि मेल हमेशा वन ही रहेगा और फीमेल को हमेशा जीरो ही वैल्यू देनी है, तो ये आर्बिटरी वैल्यूज होंगी, तो आपकी मर्जी है, आप किसी को भी जो भी वैल्यू देना चाहें आप दे सकते हैं. ठीक है, बस यहाँ पर क्या होगा, मान लो जैसे हम अब इससे कंपेयर करते हैं, जो हमने पहले केस किया था ये वाला, इसमें क्या था, हमने मेल को वन दिया था और फीमेल को जीरो, तो हमारी ये वैल्यूज आ रही थी हमने जो लास्ट वीडियो की थी. ठीक है, और डिफरेंस किसका क्या आ रहा था, अल्फा टू, मतलब हम कह रहे हैं मान लो आप मेल माइनस फीमेल निकालो, कि मेल की सैलरी और फीमेल की सैलरी में अगर डिफरेंस निकाल रहे थे तो कैसा आ रहा था, ये किसकी है, मेल की, तो अल्फा वन प्लस अल्फा टू माइनस अल्फा वन, तो आपका ये अल्फा 11 कैंसिल आपका आ रहा था, प्लस पॉजिटिव अल्फा टू आ रहा था, राइट. जब आपने बोला कि
कि मेल माइनस फीमेल, मतलब कि इन दोनों की सैलरी में कितना डिफरेंस है, वो आ रहा था आपका अल्फा टू पॉजिटिव वाला। अब हम कह रहे हैं अगर आपने फीमेल को मान लिया वन, ये हो गया फीमेल को वन और मेल को जीरो, ठीक है। अब आपने जब डिफरेंस निकाला, हमने बोला मेल माइनस फीमेल में क्या डिफरेंस होगा, तो मेल माइनस फीमेल, मेल की वैल्यूज क्या है अल्फा वन और फीमेल की क्या है अल्फा वन और अल्फा टू, तो माइनस अल्फा वन माइनस अल्फा टू ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपकी वैल्यू आएगी माइनस अल्फा टू। तो हम कह रहे हैं आप वैल्यूज कुछ भी असाइन कर सकते हो, लेकिन जो डिफरेंस हम जो कह रहे थे ना कि जिस चीज का डिफरेंस आएगा, जो इंटरसेप्ट टर्म तो आपकी सेम ही रहेगी, जिस चीज का डिफरेंस आएगा वो होगा आपका, वो आपका अगर फीमेल को आप वन लोगे तो वो माइनस हो जाएगा, जिस आप जो रेट ऑफ चेंज आ रहा था जो आपका वो नेगेटिव हो जाएगा, अगर आप मेल को वन लोगे और फीमेल को जीरो लोगे तो वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर डिफरेंस भी आप मेल माइनस फीमेल निकालते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्ड है कि इफ द ग्रुप कैटेगरी और क्लासिफिकेशन दैट इज असाइंड द वैल्यू ऑफ जीरो इज ऑफन रेफर टू एज बेस कैटेगरी, मतलब वही है कि जो आज इस कैटेगरी को आप जीरो वैल्यू देते हो, जैसे मान लो इस वाले केस में आप मेल को जीरो दे रहे थे, तो जिस कैटेगरी को आप जीरो वैल्यू दोगे उसको हम बोलते हैं बेस कैटेगरी, या फिर बेंचमार्क, कंट्रोल, कंपैरिजन, रेफरेंस और ओमिटेड कैटेगरी, कुछ भी बोल सकते हो आप, इन सबको हम बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, आपकी वैल्यू ऑफ जीरो इज दिस कैटेगरी इज नोन एज बेस कैटेगरी, ठीक है। यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं है, हाँ, और ये है क्या बेस कैटेगरी आप क्या लेते हो इज अ मैटर ऑफ चॉइस, कि आपको ये है कि आप किसी भी, जैसे इस वाले में हमने एग्जांपल में मेल को हमने बेस कैटेगरी लिया, लास्ट वाले एग्जांपल में फीमेल को हमने बेस कैटेगरी लिया था, तो इट इज़ अ मैटर, ये हो जाएगा कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको आपकी चॉइस है कि आप किसी भी कैटेगरी को आप जीरो ले सकते हो, बेस कैटेगरी ले सकते हो। नेक्स्ट है द कोफिशिएंट अल्फा टू अटैच टू द डमी वेरिएबल्स डी कैन बी कॉल्ड द डिफरेंशियल इंटरसेप्ट coefficient because it tells how much the value of intercept term of the category that receives the value of 1 differs from the intercept coefficient of the base category. बस यही है कि वो differential intercept coefficient है जो आपको ये बताता है कि आपकी जो मेल कैटेगरी है या फीमेल कैटेगरी है वो आपस में उनके बीच की वैल्यूज हैं वो कितनी डिफरेंट है, तो इसलिए हम इसको जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, जैसे जीरो वाले को बोलते हैं हम बेस कैटेगरी, और जो ये अल्फा टू वैल्यू आई है जो हम बता रहे जितना डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इंटरसेप्ट कोफिशियंट। ये हो गए आपके चार फीचर्स, अगर श्यामलाल वाली बुक में और फीचर्स हुए तो मैं उसकी फोटो भेज दूंगी, अगर कोई डिफरेंट फीचर हुआ तो, मेनली सारे यही फीचर्स हैं।